एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे। सो गाइस, होली जा चुकी है और मेरी हालत भी थोड़ी डाउन हो गई है क्योंकि दो दिन से ना मेरे को भी फीवर आ गया है। एक्चुअली मैंने चिढ़ाया था ना, मैंने बोला था आप लोगों को कि हमारे घर में दो दो मरीज हो गए हैं, एक तो कनिका और दूसरे मेरे हस्बैंड, तो अब तीसरी मरीज मैं हो गई हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड की हालत में काफ़ी सुधार है, अब वो ठीक हो गए हैं, बट कनिका और मेरे को अभी फीवर आ रहा है और जा रहा है। बस वो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं फीवर, तो अभी जाएंगे मैं और कनिका डॉक्टर दिखाने के लिए, मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे। और धृति का भी ना, अभी धृति का भी डाउन ही है थोड़ा, तो उसको भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो हम सब जाएंगे अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए कि एक्चुअल में ऐसे फीवर आ क्यों रहा है और उतर क्यों नहीं रहा फीवर। तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। एंड गाइस, आई होप कि कल होली वाला वीडियो, होली वाला ब्लॉग आपको पसंद आया हो। सो बने रहिएगा ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर दिखाने। रीति की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी ख़राब थी, अब इसकी भी ख़राब हो गई है, ठीक है, उनकी भी ख़राब है, तो सबकी तबीयत घर पे ख़राब है। अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, सबको देखते हैं, चेकअप वेकअप करवा के लाते हैं। रीति की भी बुखार चढ़ रही है, उतर रही है, एंड मुझे तो बुखार होगा नहीं, लेकिन मुझे वीकनेस है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। देखिए आजकल का मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सभी को यही शिकायत है, और धूप पड़ने लग गई है बहुत। ये देखिए हमारी कार वहीं रखी पड़ी है, तो कार से ही जाएंगे। कार तो पता नहीं बहुत गर्म हो गई होगी अंदर से। तो ये देखिए मैंने अपनी कार यहाँ फिलहाल के लिए पार्किंग की है, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा क्लिनिक। पहले मेरी वाइफ को और कनिका को दिखाएंगे डॉक्टर, उसके बाद फिर धृति के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सब बच्चों वाले में उनको दिखाने डॉक्टर। हमारे रखे हैं आवाज विकास। हाँ बेटा, ये देखिए हॉस्पिटल में बैठे हैं सब। धृति इसको इंजेक्शन लगाने से डर लग रहा है। अरे लगा लो, तुम डॉक्टर हो, कुछ नहीं होगा, तुम फटाफट लगा लो। ये देखिए धृति भी हमारे साथ, अब धृति की मम्मी को भी सुई लगेगा, धृति की धेटी को भी लग गया है सुई, तो इन सबको डॉक्टर दिखा दिया। अभी जा रहे हैं धृति को डॉक्टर दिखाने, अतुल हॉस्पिटल बच्चों का स्पेशलिस्ट, वहाँ पर दिखाते हैं। एक्चुअली हमने इनको यहाँ पे भी दिखाया था, बट मैंने सोचा एक बार वहीं भी दिखा लेते हैं। यहाँ पार्क कर दिए और अब हम जा रहे हैं धृति को डॉक्टर दिखाने, अतुल हॉस्पिटल जो बच्चों का स्पेशलिस्ट है उसी के पास जा रहे हैं अब हम। तो गाइज हम लोग अब मंगलम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। धृति का ब्लड टेस्ट हो चुका है, ये देखिए, और बहुत रो रही थी, और अब हम लोगों को थोड़ी भूख लग गई है। हम लोगों का भी एक एक सुई लग गया, इंजेक्शन लग गए मेरे को और कनिका को भी, अब थोड़ा खा लिया जाए कुछ। तो चलिए, हमारे नूडल्स आ चुके हैं और अभी हमारी स्पेशल थाली भी आने वाली है। ये हमारी स्पेशल थाली आ चुकी है, देख सकते हैं स्पेशल थाली में क्या क्या है, और ये पूरी प्लेट 215 रुपीज है ओनली, जस्ट 215 ओनली। हमारा चिली पोटैटो आ चुका है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, ये है कनिका और धृति, तो अब हम चल रहे हैं घर की ओर। चलिए
तो देखिए गाइस, आज मम्मी लेके आई हैं ये सारा राशन घर का। कल हम लोग भी कुछ लेके आए थे, पर बाकी सामान भी और भी काफ़ी कुछ बचा था, तो वो सारा कुछ मम्मी लेके आई है। तो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी कि वो क्या क्या लेके आई है। आप व्लॉग पे बने रहिए। ये देखिए मम्मी राशन सारा निकाल रही है। यार ये धृति देखो आ गई है। तो ये है ये सारा गरम मसाला, ये पापा का खजाना बीड़ी, और ये है दाल, ये देखिए सारा सामान, हल्दी, ये पंखा ऊपर है की करे ये वो नहीं जला पाओ ये देखिए हल्दी, देखिए हल्दी, ये होम फ्रेश का चिली पाउडर, ये देखिए सब भर के लेके आई है मम्मी अरहर की दाल, तो ये था हमारा सारा राशन। तो ये आया है आज मम्मी लेके आई है मार्केट से, और ये बड़ा तेल का टीन, कितने किलो रहता है इसमें, 15 किलो, और चावल के 2 कट्टे हैं ये देख सकते हैं आप ब्लैक वाले, और 2 आटा का। तो ये सारा राशन आया है आज घर का। तो ये देखिए गाइस, मैंने ना रस्सी ऑर्डर किया था फिटनेस के लिए, तो ये मम्मी स्टार्ट हो गई ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो ये ना मैंने फिट रहते हैं रस्सी कूदने से, तो मम्मी स्टार्ट हो गई है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कूदिए आप, तो ये देखिए धृति देख रही है यहाँ से, तो साड़ी में अटक जा रहा है मम्मी के। तो देखिए देखिए गाइस, आज है शनिवार और मेरे देवर जी शनि पूजा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रख दी उन्होंने। ये जो ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हैं आप, ये शनिदेव का आसन है, और ये घट स्थापन कर दिया है, उसमें आम्रपत्र और ये लगा दिया है सब कुछ। ये देखिए प्रसाद लेके आई है मम्मी, ये प्रसाद है, ये फूल के पत्ते हैं, तो ये कर रहे हैं मेरे देवर जी शनि देव की पूजा। हम बंगालियों में ना गाइस शनि देव की पूजा घर के बाहर दिया जाता है, तो ये आंगन में दे रहे हैं हमारे। तो जला दिया है दिया, अब जला देंगे अगरबत्ती। और ये देखिए इन्होंने, हटो, तो आप सब भी आशीर्वाद ले लो। ये सब आशीर्वाद ले रहे हैं शनि देव का।